तो दोस्तों अक्षय कुमार का आने वाला पिक्चर सरफिरा का ट्रेलर आ चुका है, जो कि वाकई में बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल सरफिरा नाम को जस्टिफाई कर रहा है ये लुक नहीं, ये ट्रेलर। और अक्षय कुमार भी इसमें चार चांद लगाते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन ये चीज अच्छा नहीं लगा कि ये पिक्चर भी रीमेक है। जी हाँ दोस्तों, ये पिक्चर रीमेक है सूर्य का सूरा राई पुत्र मूवी का, जो कि लगभग 4 साल पहले आया था। और अब अक्षय कुमार इस कहानी को फिर से दोहराने वाले ही। ऑनेस्टली अगर बोलूं तो मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने ये पिक्चर नहीं देखी थी और इसलिए ट्रेलर मुझे ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहेगा, रीमेक क्यों करते हो? वैसे जितनी भी बार मैंने अभी तक रीमेक वर्ड का यूज किया है, उससे शायद तुम लोगों का इंटरेस्ट लेवल डिक्रीज हो चुका होगा। लेकिन अगर तुमने इस पिक्चर को नहीं देखा है तो इस पिक्चर के लिए इंटरेस्ट तुम्हें देना चाहिए, क्योंकि ट्रेलर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है और पिक्चर भी होगा, क्योंकि इस पिक्चर को भी ओरिजिनल पिक्चर के डायरेक्टर ने डायरेक्शन दी है। और सबसे बड़ी वजह तुम्हें जानना चाहिए वो ये कि इस पिक्चर ने 5 अवार्ड जीते 68 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में, और डायरेक्टर का जलवा इस पिक्चर में भी क्लियर नजर आ रहे, सेंस काफी क्लियर लग रहे और सेंस से तुम रिलेट भी कर पा रहे हो। और मेरे हिसाब से यही बड़ी चीज है ऐसे पिक्चरों में, मतलब कि ऐसे नॉर्मल से पिक्चरों में यही चीज तो बांध के रखता है। फिर दिखाया जाता है कि इनक्रेडिबल ट्रू स्टोरी से इंस्पायर है, तो देखना तो बनता है कि माजरा क्या था। फिर जो इस पिक्चर की कहानी है कि हर किसी के लिए फ्लैट कॉन्वीनियंट करना, अफोर्डेबल करना, सिर्फ 1 रुपए में फ्लैट का टिकट। काश ऐसा सच में हो जाता तो मुझे 2 दिन पहले ट्रेन में खड़ा होकर नहीं जाना पड़ता। लेकिन क्या वाकई में 1 रुपए में फ्लाइट का टिकट दिया जा सकता है? तो इस चीज को मैं जरूर देखना चाहूंगा इस पिक्चर में। बाकी एक्टर्स के ऊपर अगर बात करें तो परेश रावल उस पिक्चर में जिस कैरेक्टर में थे, इस पिक्चर में भी सेम ही कैरेक्टर में ही। फिर इनके ऊपर मैं कोई कमेंट या कॉम्प्लीमेंट नहीं देना चाहूंगा, पिक्चर आने के बाद देखा जाएगा ही नहीं। तो ओवरऑल ये कहूंगा कि ट्रेलर मुझे अच्छा लगा, पिक्चर काफी तक प्यारमैन जैसा वाइब भी दे रहा है। मैं 1 रुपए के फ्लाइट टिकट के लिए इस पिक्चर को जरूर देखूंगा, कस थिएटर का टिकट भी 1 रुपया होता, लेकिन नहीं, धंधा बंद हो जाएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरा काम भी कर देना खत्म, मेरा मतलब कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कर देना। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है, दबा दिया, आगे बोलो।